सीबीएसई की डिजिटल स्टडी में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज का वीडियो बोर्ड परीक्षा देने वाले कक्षा 10 के उन सभी विद्यार्थियों के लिए है जो अभी तक यूपी बोर्ड द्वारा घटाए गए 30% सिलेबस को नहीं जानते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, अगर हम जानते भी हैं तो सिर्फ इतना जानते हैं कि हमारा सिलेबस 30% कम किया गया है। उसके विषय में विस्तृत रूप से आज हम लोग डिस्कशन करेंगे, आपको समझाएंगे कि काव्य संकलन, गद्य संकलन, अनिवार्य संस्कृत, हिंदी के जितने भी खंड हैं उनमें से ऐसा कौन सा पाठ है, ऐसी कौन सी यूनिट है जो 2021 बोर्ड परीक्षा के पाठ्यक्रम से बाहर कर दी गई है। ध्यान रखेंगे, प्रश्न पत्र का स्वरूप नहीं बदला है, प्रश्न पत्र में कोई छेड़खानी नहीं की गई है। अगर कुछ कम किया गया है तो इस महामारी के कारण हमारा पाठ्यक्रम है इसको थोड़ा सा सीमित कर दिया गया है। तो आए अविलंब हम वीडियो के द्वारा अपने संपूर्ण पाठ्यक्रम को समझें। ध्यान दें, हमारा हिंदी का जो प्रश्न पत्र होगा वो प्रत्येक वर्षों की भांति इस बार भी केवल एक प्रश्न पत्र होगा, 3.25 घंटे का होगा, 70 अंकों का होगा। 30 नंबर जैसे विद्यालय में एनालिसिस करता है, आपका मूल्यांकन करता है, उसी प्रकार करके देगा। तो प्रत्येक विषय 70 अंक के थे, 70 अंक के हैं। अब जो मुख्य बिंदु है वह हमारा पाठ्यक्रम है जिसे 30% कम किया गया है। कैसा है वो आए देखें। सबसे पहले काव्य संकलन, जैसे कि हिंदी के खंड हैं काव्य संकलन, गद्य संकलन, अनिवार्य संस्कृत, इन सभी में से कुछ ना कुछ पाठ्यक्रम घटा दिया गया। जो घटाया गया है वो इस प्रकार है, देखें, सूरदास के पद पढ़ने हैं, तुलसीदास का धनुष भंग और वन पथ पर हम लोगों को पढ़ना है, रसखान जी का सवैया और कवित्व पढ़ना है, बिहारी लाल जी के भक्ति और नीत दोनों शीर्षकों को पढ़ना है, राम नरेश त्रिपाठी की कविता स्वदेश प्रेम पढ़ना है, मैथिली शरण गुप्त की कविता भारत माता हम लोगों को पढ़ना है। आगे बढ़े, देखिए, महादेवी वर्मा की दो कविताएं थी, वर्षा सुंदरी के प्रति और हिमालय से, तो वर्षा सुंदरी के प्रति कविता नहीं पढ़ना है। बहुत एकाग्रमन से सुन लें, इस बार के पाठ्यक्रम से वर्षा सुंदरी के प्रति कविता को बाहर कर दिया गया है। अब आपको सरल हो गया, सिर्फ इनकी एक कविता पढ़ना है हिमालय से। उसी प्रकार अगले कवि सुमित्रानंदन पंत हैं, इनकी भी कविताएं दो थी, चंद्रलोक में प्रथम बार और चींटी, तो चंद्रलोक में प्रथम बार को बाहर कर दिया गया है, सिर्फ चींटी का अध्ययन करना है। आगे बढ़ते हैं, माखनलाल चतुर्वेदी जी, इनकी दो कविताएं पुष्प की अभिलाषा और जवानी में सिर्फ पुष्प की अभिलाषा पढ़नी है, जवानी कविता को बाहर करके संक्षिप्त कर दिया गया है। सुभद्रा कुमारी चौहान की एकमात्र कविता थी झांसी की रानी की समाधि पर, इस कविता को पढ़ना है, अशोक वाजपेयी की कविता भाषा एकमात्र अनंत है पढ़ना ही है, श्याम नारायण पांडे की कविता हल्दी घाटी महाराणा प्रताप के महत्व को दर्शाया गया, इसको हम लोगों को पढ़ना है। तो प्रिय विद्यार्थियों, एकाग्र मन से वीडियो को आप पुनः रिपीट करके देख लेंगे, काव्य संकलन में हमने जो बताया आपको वही पढ़ना है, उसी से संबंधित बोर्ड परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे, जो बाहर किया गया है उससे कोई लेना देना नहीं है। अब गद्य संकलन की ओर बढ़ते हैं। गद्य संकलन अत्यंत सीमित है, गद्य संकलन के यही 4 मात्र निबंध हैं जिनको हम लोगों को पढ़ना है। आए जाने वो कौन कौन से निबंध हैं, तो मित्रता पहला पाठ रामचंद्र शुक्ल जी का है, इसको पढ़ना है, ममता जयशंकर प्रसाद जी की कहानी है पढ़ना है, राजेंद्र प्रसाद जी द्वारा लिखा गया विशेष निबंध है भारतीय संस्कृत पढ़ना है, और भगवत शरण उपाध्याय का निबंध है अजंता, इसको हम लोगों को पढ़ना है। तो इस प्रकार से कक्षा 10 में यूपी बोर्ड गद्य संकलन के सिर्फ 4 पाठों का अध्ययन करना है। प्रिय विद्यार्थियों, तीसरे खंड की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा खंड हमारा अनिवार्य संस्कृत है, इसका पहला पाठ वाराणसी है, दूसरा पाठ था अन्योक्ति विलासा और केन किम वर्धते। संक्षिप्त रूप से इसे जान लें, संस्कृत दर्शिका के जितने भी पाठ थे 10 पाठ, उनमें से इन दोनों पाठों को हटा दिया गया है, केन किम वर्धते और अन्योक्त विलासा।
बाकी सभी पाठों को हम लोगों को पढ़ना है। अनिवार्य संस्कृत से दो प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, एक तो किसी गद्यांश या श्लोक का हिंदी में अनुवाद कीजिए चार अंक का, और दूसरा दिए गए प्रश्नों का संस्कृत में उत्तर लिखना रहता है। इन्हीं दो प्रश्नों को पुनः इस बार की परीक्षा में पूछा जाएगा। तो आशा करते हैं कि आज की वीडियो से आप अपने करेंट सिलेबस से अपडेट हो गए हैं। अब जो दूसरी मुख्य बात है वह यह है कि व्याकरण, निबंध, गद्य साहित्य का इतिहास, पद्य साहित्य का इतिहास जो पाठ्यक्रम में था वही है, इसलिए उन सब का अध्ययन करना है। अगले वीडियो में हम इस सिलेबस को विस्तृत रूप से पढ़ने का प्रयास करेंगे। आज आप वीडियो के सहारे पाठ्यक्रम को पूर्णतया अपने मन की मेमोरी में स्टोर कर लेंगे। कल पुनः मिलते हैं।